हम मस्जिद में से निकले भी नहीं और उस साइड से बिल्डोजर चलना स्टार्ट हो गया। हमें खाली करने का बोला गया लेकिन कुछ सामान निकालने का मौका नहीं दिया। हमारा घर तोड़ दिया है, हमारा मदरसा तोड़ दिया है, हमें सामान नहीं निकालने दिया, हमारी बुक्स नहीं निकालने दी हमको। बहुत डर लगा था, बहुत बुरा लग रहा था, हमारा मदरसा टूट गया, बहुत सारे बच्चे सो रहे थे, बहुत सर्दी हो रही थी। उस सर्दी में खुले आसमान के नीचे बाहर खड़ा कर दिया बच्चों को, वो बच्चे ऐसे खड़े, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी को नंगे पैर खड़े वहाँ पे, कोई सामान निकालने नहीं दिया। और आधा घंटा पौन घंटा देते तो हम सामान निकाल लेते अपना, वो भी नहीं निकालने दिया उन्होंने। बच्चे जो अपनी आँखों से जो देख रहे मंजर, कैसा मंजर, कभी उन्होंने अपने आँखों से ऐसा मंजर देखा नहीं। उन्होंने कब्रों को ऐसे तोड़ा, ऐसे डिस्ट्रॉय किया कि कफन निकाल कर बाहर फेंका हुआ था। जितनी भी कब्रें थी उन सबके कफन बाहर निकाल देते और हड्डी दिख रही थी। सबको डर लग रहा था, कोई कोई तो रो गया था। और बच्चे पूछते हैं कि वो क्यों तोड़ा है, ऐसा वहाँ क्या था, कहीं ये वाला मदरसा तो नहीं टूट जाएगा। दिस इज हाउ द बहरुल उलूम मदरसा लुक्ड बिफोर 30th जनवरी 2024। दिस इज हाउ द अखुंजी मॉस्क लुक लाइक। दिस वॉज द एक्टिव ग्रेवयार्ड नेक्स्ट टू द मॉस्क। And this is how they looked on the 30th of January, when the DDA at 5 a.m. in the morning razed the madrasa, the mosque and the graveyard. The area has now been barricaded, with no access to anyone. Muhammad Zakir Hussain, the Imam of the Akhunji Mosque, and Muzammil Salmani, who used to teach at the madrasa, said that they got no prior notice that the demolition will take place. Koi notice nahi aaya hamare paas. कोई टाइम नहीं दिया उन लोगों ने। बराबर वो लोग सर्वे के लिए आ रहे थे, वहाँ पर डीडीए के कुछ ऑफिशियल्स रोज आते थे उस मीटिंग के बाद से, कुछ पुलिस वाले आते थे, कुछ नोट करके लेके जाते थे रजिस्टर में। हमने एक बार कई बार उनसे बात करने की कोशिश भी की। डीडीए की लैंड नहीं है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है। करण नहीं, ये डीडीए की लैंड है, आप इसे खाली करो, डिमोलिशन करना। मगर डिमोलिशन करने का कोई नोटिस तो है नहीं हमारे पास। अगर आपके पास नोटिस है दिखाओ। कहने ऊपर से ऑर्डर है इसके, आप इसे खाली कर दो। 30th of Jan को ये डेमोलिशन ड्राइव चला। 29th of Jan को मैं वहाँ पर क्लास ले रहा था बच्चों की, लगभग सुबह 11:30 का टाइम था। मेहरौली के SHO साहब और कुछ लोग वहाँ आए थे नोट करने। मैंने पुलिस से बात करने की कोशिश की कि आप, मैं कुछ हेल्प करूँ आप लोगों की, तो उन्होंने कहा नहीं, आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ाओ, हमें अपना काम करना आता है, आप अपना काम कर लीजिए, इट्स ओके। तब भी उन्होंने नहीं कहा कि कल यहाँ डेमोलिशन होने वाला है, हम इसलिए आए। The DDA said that this action was taken to free the area from all types of illegal encroachment. दोनों तरफ से खुदाई हो रही थी, तो हमारे कासा का पैर एक मस्जिद में था, एक बाहर था, तो एक दीवार गिरी वो कासा के पैर पे, वो वहाँ से छिल गया। बच्चों से बोला कि बाहर निकल जाओ, कोई सामान निकालने नहीं दिया। और आधा घंटा पौन घंटा देते तो हम सामान निकाल लेते अपना, वो भी नहीं निकालने दिया उन्होंने। बच्चों के जो कमरे में कापी किताब और बच्चों का सामान वगैरह, कपड़े लत्ते, बिस्तरा, गर्म कपड़े, रजाई वगैरह, बच्चों का राशन, बच्चों का अपना सामान, कोई सामान नहीं निकालने दिया, सब सामान उस मलबे में जो है दब गया। मैं कई सारी चीज़ें, 2-3 जोड़ी कपड़े, जूते, चप्पल, बिस्तर वगैरह, सारे बिस्तर उन्हें छोड़ गए। तो उन्होंने सबसे पहले वजूखाने पर वार करा, फिर मस्जिद पे, फिर काता दरगाह पे, फिर हमारे लास्ट में घर पे। वो कहा था उनने जो जितनी भी कब्रें थी उन सबके कफन बाहर निकाल देते और हड्डी दिख रही थी। सबको डर लग रहा था, कोई कोई तो रो गया था। अकॉर्डिंग टू द DDA, द अखुंजी मॉस्क वॉज एन इलीगल स्ट्रक्चर दैट स्टूड ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट लैंड ऑफ संजेवन। बट अकॉर्डिंग टू अ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन 1922 बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देयर वर रिपेयर्स मेड टू द अखुंजी मॉस्क बैक इन 1853। Meanwhile, the DDA came into effect in 1957, and Sanjeevan was carved out in the 70s and notified as a reserved forest only in the 90s. Now, this mosque was important enough in 1853 that Bahadur Shah Zafar, who was the ruling Mughal emperor at that time, wrote the chronogram for it, because the chronogram reads, O Zafar. So, at that point of time, the only poet with the Takhallus Zafar was the emperor himself. So it was so important that he wrote the chronogram for it. Now, a mosque that is so old, and if it is being repaired in 1853, it must be much older than that. And
construction from the construction and from some of the other clues that there are there, it looks like a Sultanate mosque. So how can that be an encroachment? The High Court on the 31st of January asked the DDA why it demolished the mosque and the madrasa, and if they had given prior notice before demolishing the mosque. The DDA said that the demolition took place in accordance with the recommendations of the religious committee dated January 4th. हम सबको बच्चों को सबको जो है बाहर खड़ा कर दिया बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, जबकि सर्दी का मौसम था, बहुत सर्दी हो रही थी, उस सर्दी में खुले आसमान के नीचे बाहर खड़ा कर दिया बच्चों को। वो बच्चे ऐसे खड़े, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी नंगे पैर खड़े हैं वहाँ पे। जब मैं ईदगाह गया, देन आई सो स्टूडेंट्स वर लाइंग ऑन फ्लोर ऑन अ सिंगल बेडशीट एंड दे डिड नॉट हैव जैकेट्स, दे डिड नॉट हैव स्वेटर्स, सम ऑफ देम डिड नॉट हैव इवन स्लीपर्स एंड शूज, एंड सीइंग मी देयर दे स्टार्टेड क्राइंग। बच्चे जो एकदम खौफनाक, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, और हम उन्हें जो है समझा रहे बार बार, लेकिन बच्चे जो अपनी आँखों से जो देख रहे मंजर, कैसा मंजर, कभी उन्होंने अपनी आँखों से ऐसा मंजर देखा नहीं, इतनी फोर्स नहीं देखी। बैरिगेट के पास खड़ा कर दिया और ना खाना दिया, ना पीने के लिए कुछ दिया, पानी वानी कुछ नहीं दिया। उन्होंने कब्रों को ऐसे तोड़ा, ऐसे डिस्ट्रॉय किया कि कफन निकाल कर बाहर फेंका हुआ था। पुरानी और नई कब्रें थी, वो सारी खोदी है, कोई कब्र खुल गई है, कोई कब्र टूट गई है, यहाँ तक के जो मैयत दिखाई दे रही है, कफन दिखाई दे रहा है, कफन बाहर निकले हुए हैं। कब्र को तोड़ करके जो पुलिस वालों को खाना दिया गया था, खाने के लिए जो उनको फूड किट्स दी गई थी, वो ब्लैक कलर की प्लेट में थी, वो प्लेट्स उस कब्र में फेंकी हुई थी, सभी कब्रों में, और चाय के कप पड़े हुए थे उसमें। जो मस्जिद थी वो भी शहीद हो गई, कुरान शरीफ भी शहीद हो गई, अब मेरा घर भी शहीद हो गया। Meanwhile, the students of the Baharul Uloom Madrasa have been shifted to the Jamia Arabia Nurul Islam Masjid, where they are continuing their education. बच्चे जब तक खेलते हैं तो वो ठीक रहते हैं, खेल के जब थक जाते हैं या बैठ जाते हैं तो कई बार बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जी, जो हमारा अपना इंतज़ाम था मदरसे में, वो अपना जैसे कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे बच्चों को, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते थे, सबका एक निज़ाम बना हुआ था। एक बार निज़ाम जो धर्म भरम हो जाता तो वो निज़ाम जो जल्दी बनने नहीं पाता है। जो मेरा टेंथ का नुकसान हुआ, सारी किताबें वहीं पे थी, वहीं दब गई, कंप्यूटर वगैरह थे 10-15, वो सब होने लगे, तो एक पेपर मेरा कंप्यूटर का जो वो रह गया, उसके लिए तैयार करने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी पढ़ाई खराब हुई, मैं पारा भी भूल गया, जो हमारी चीज थी वो सारे खाता बर्बाद हो गई। उधर सब कुछ था, हिंदी इंग्लिश मैथ्स भी पढ़ाया जाता था, उर्दू भी पढ़ाया जाता था और कुरान भी पढ़ाया जाता था। हिंदी इंग्लिश मैथ तो वो तो रुक गए पूरी। और बच्चे पूछते हैं कि वो क्यों तोड़ा है, ऐसा वहाँ क्या था, कहीं ये वाला मदरसा तो नहीं टूट जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब होता नहीं उनको देने के लिए, और वो उस चीज़ को बार बार याद करते हैं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे इसको अपनी मेमोरी बना लें, मैं उनसे बोलता हूँ कि भूल जाओ जो हुआ है। काफ़ी लोगों ने हेल्प की है इनको, जैसे आप देख रहे हैं ये बैडमिंटन्स ला करके दिए हैं, क्रिकेट के लिए बैट और बॉल ला करके दिया है, कैरम ला करके दिया है खेलने के लिए, लेकिन अभी जो हादसा उनके सामने हुआ है तो वो इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। The DDA in their statement about the demolition said, The Sanjayvan is a reserved forest spread over an area of 780 acres, which is part of the Southern Ridge. As per the decision of Ridge Management Board, the ridge area should be free from all type of illegal encroachment. A committee was formed under chairmanship of DM South Delhi to assess the encroachment in Sanjayvan, which suggested the removal of various illegal structures from the Sanjayvan. The other members of the committee included DCP South, DCF South and Director Horticulture Northwest DDA. Removal of the illegal structures, religious in nature, was approved by the religious committee, conveyed via minutes of meeting dated 27-1-2024. In compliance, a demolition program was fixed by Horticulture Department of DDA on 30-01-2024. Officials of DDA, concerned revenue officials of GNCTD and police officers were present at the demolition site. The illegal religious structures have been successfully removed and removal of Malba from the site is under process. Approximately 5,000 square meter area has been reclaimed. Entire demolition program successfully completed without any hindrance and disturbance or protest at site. On the 5th of February, the Delhi High Court asked the DDA to maintain status quo with respect to the land where the Akhundji Mosque once stood. There is nothing but rubble at a site where once the mosque and the madrasa,
which housed 20 to 25 kids, once stood. The court has now listed the matter for further hearing on the 12th of February. This story is only possible because of our subscribers who fund us. So go to our website and pay to keep news free. This is Saiduzzaman from News Laundry. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Aur garv se kaho, mere kharch par azad hai khabrein.